नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रभात, सभी का स्वागत करता हूं मोटिज में। तो चलिए, मैं आज आ गया हूं एक नया वीडियो के साथ। आप लोगों के मैं बोलने वाला था मल देखे सर, जरूर आपको पता चल गया जस्ट कौन से टॉपिक पर बात करने वाला। जी दोस्तों, आज क्रोम के ऊपर बात करने वाला हूं, जो जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको मोबाइल बहुत ही नुकसान में जा सकते हैं। जी दोस्तों, सही सुन रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो अभी जाकर पता चल जाएगा जो मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, क्या क्या टिक्स आपको देने वाला हूँ। हर एक टिक्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए चलते हैं। तो चलिए, मैं आ गया मोबाइल फोन के ऊपर और देख लेते हैं जो क्या क्या टिक्स होने वाला है। तो मैं पहले क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, और जैसे क्रोम को ओपन कर लिया हूँ, क्रोम ओपन करने के बाद मैं थ्री डॉट में चला जाएंगे। और थ्री डॉट में जाने के बाद आप लोग को देख पा रहे जो सेटिंग है, तो सेटिंग में जाने के बाद आपको पहला चीज़ आपको दिखाएंगे जो पासवर्ड क्या होता है। तो इस तरह देख सकते हैं जो पासवर्ड का ऑप्शन है, पासवर्ड में चला जाता हूँ। और जाने के बाद आप देख सकते हैं सेव पासवर्ड इस जगह ऑन है, और ऑटो साइन भी ऑन है इस जगह में। तो इस जगह में मेरा कुछ पासवर्ड आप लोग को दिखाई दे रहा है जो मेरा सेव है वो क्रोम में। और क्या हो रहा है, इस जगह में कुछ नेवर सेव्ड कुछ पासवर्ड हैं, किस वेबसाइट हैं जिसका पासवर्ड इस जगह में सेव नहीं है। लेकिन आप इस जगह में जो थ्री डॉट दिखा रहे हैं क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको जितना पासवर्ड सेव रहेगा तो एक्सपोर्ट करके किसी को भेज सकते हैं। जैसे मैं एक्सपोर्ट में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मैं एक्सपोर्ट में क्लिक कर दिया हूँ और पासवर्ड दिए हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आप इस जगह से किसी को भेज सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप में चला जाता हूँ, और जाने के बाद मैं भेज देता हूँ। वो जैसे इसको भेज दिया तो आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ, पीडीएम में जाता है, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे जो पूरा हर एक पासवर्ड इसमें आ जाएगा। तो देख सकते हैं नेम, यूआरएल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो इस जगह में आपका जितना भी वेबसाइट में आप लॉगिन किया, तो उसका क्या होगा, आपका डाटा हर लोगों के पास चला जाएगा। अगर मान लो आपका कोई भी फ़ोन ले लिया, अगर आप पासवर्ड उस जगह सेव करके रखा, तो अगर एक्सपोर्ट कर लिया तो आपको हो सकता है बहुत ही बड़ी नुकसान है ना कमल का टिक्स। इसको आपको ज़रूर इसको अनेबल करना नहीं है। अगर आपको किसी को फ़ोन को देना है तो ज़रूर इसको लॉक करके रखना है। आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जो क्रोम को कैसे आप लॉक कर सकते हैं, उस वीडियो को आपको आई बटन मिल जाएगा, जरूर देख लेना। तो यह है ना कमल का टिक्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हैं, नहीं तो आपका कोई भी पासवर्ड लेके आपका पूरा अकाउंट आपको हैक कर सकता है ना कमल का टिक्स। तो चलिए दूसरा टिक्स क्या है देख लेते हैं। फिर से मैं क्रोम में चला जाऊंगा, मैं क्रोम में आ गया, और क्रोम में आने के बाद आप लोग जाएंगे जो कनेक्शन। आप लोग अभी मैं एक न्यू टैब आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, कोई भी एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, जैसे मान लो गूगल ही ओपन करता हूँ, google.com। तो इस जगह में क्या होता है, हम लोग हर एक वेबसाइट जाता हूँ, बहुत सारे SMS आते हैं जिसमें हम लोग एक वेबसाइट दिया जाता है, जिस वेबसाइट को क्लिक करके हम किसी वेबसाइट जाके हम लोगों को पासवर्ड वगैरह वो देता हूँ, या कुछ भी हम लोग डाटा दे देता हूँ उस जगह में। तो आपको पहले ये चेक करना चाहिए जो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, उस जगह में जो इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग देख पा रहे जो गूगल के साइड में एक ताला का निशान आ रहा है, तो उसमें क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो आप जिसमें लिखा रहेगा जो कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब इस जगह आपको जो कनेक्शन है वो सिक्योर है, इस जगह में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस जगह आपका जितना भी अकाउंट वगैरह पासवर्ड जो भी है आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको एक दिखाई दे रहा है जैसे साइट सेटिंग बोल के, तो इस जगह क्लिक करना है। और जैसे साइट सेटिंग क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी इस जगह में वेबसाइट को आप अलाउ करेंगे वो सेटिंग में जाके, तो पूरा इस जगह में नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन का भी ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट में जाते हैं और उसका गंदी गंदी नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है। तो आप क्या करेंगे, तो फिर थ्री डॉट में जाना है, और जाने के बाद सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखाई देगा जो साइट सेटिंग। और साइड सेटिंग जाने के बाद आप देख सकते हैं इस जगह में बहुत सारा आपको ऑप्शन आएगा। आने के बाद आप देख सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, कितना कितना नोटिफिकेशन आप इस जगह में आप क्या कर सकते हैं, जितना सारा वेबसाइट को एक्सेस करते नहीं दिए हैं नोटिफिकेशन को, सारे वेबसाइट में नोटिफिकेशन आते रहेगा। अगर इस जगह से ऑफ कर देते हैं तो हर एक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, है ना कमल का विचार। चलिए चलते हैं दूसरा चीज़ के ऊपर। हम लोगों का अगर ये जो लाग थीम देख रहे हैं, आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। जी जरूर दोस्तों, आप थीम चेंज कर सकते हैं इस जगह से। तो चलिए मैं और थीम में क्लिक करता हूँ। थीम में क्लिक करने के बाद आप तीन थीम को चूज़ कर सकते हैं, सिस्टम, डिफॉल्ट और लाइट और डार्क। आप कह सकते लाइट में कर देता हूँ तो लाइटली हो जाएगा, और सिस्टम डिफॉल्ट मेरा सिस्टम में जो थीम रहेगा वो हो जाएगा। मतलब मेरा सिस्टम में डार्क मोड है, इस वजह से सिस्टम में डार्क मोड हो गया, तो मैं फिर से इसको डार्क कर देता हूँ, है ना कमल के फीचर। या अगर ये फीचर आपको वो देख लेते हैं, जो डाउनलोड ऑप्शन में कुछ आपको जरूर चेंजेस देखने को मिला हो, जो मैं चला जाता हूँ डाउनलोड ऑप्शन में। और डाउनलोड ऑप्शन में जाता हूँ तो किस जगह क्या क्या चेंजेस मिला है। जैसे कि मैं बहुत सारा फाइल को डाउनलोड करता हूँ, तो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता जो उसको कहाँ क्या नाम है
कौन सा फाइल डाउनलोड किया, क्योंकि इस जगह में ऐसा होता है जो बहुत सारा फाइल डाउनलोड जो देख सकते हैं, जो ऐसे ऐसे फाइल हैं इसको हम लोग को पता नहीं चलता जी कौन सा फाइल में डाउनलोड किया था। लेकिन इस जगह थ्री डॉट में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसका शेयर कर सकते हैं, इसका रीनेम भी कर सकते हैं दोस्तों। जी दोस्तों आपको सही बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका रीनेम है, रीनेम कर सकते हैं। तो जाके इस फाइल का नाम आप दे सकते हैं, जो भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इस जगह में नेम भी दे सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या, आप इस जगह में किसी को भी डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो इस जगह में जो बहुत बड़ी अपडेट आए हैं, आप जब भी कोई वेबसाइट में विजिट करते हैं, तो जब आप कोई भी वेबसाइट में विजिट करते हो तो क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट में जाते हैं लेकिन उस जगह सिक्योर नहीं होता, तो क्या होता है उस जगह नोटिफिकेशन आपको पासवर्ड वगैरह जो भी आप डालते हैं तो उस जगह हैक कर लेता है। लेकिन आपका एक बड़ी अपडेट आ गया जिस वजह से आप कोई भी वेबसाइट में जाएंगे, अगर उस जगह आपको कुछ भी लीक हो रहा है पर्सनल चीज़, तो आपको क्रोम पर्सनली आपको नोटिफिकेशन दे देगा जो आपको उस जगह में लीक हो रहा है। मतलब कुछ भी आपका पर्सनल चीज़ लीक हो रहा है तो उस जगह जाके आप नोटिफिकेशन बंद करके अपना वो सब कुछ बंद कर सकते हैं। लेकिन उसको इनेबल करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा /flag बोल के, तो आगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो मैं बहुत सारे इस ऑप्शन को इनेबल करके रखा हूँ, तो आप कैसा कर सकते हैं, जो इस जगह में पासवर्ड लीकेज डिटेक्शन आपको सर्च करना, पासवर्ड डिटेक्ट लीकेशन या सर्च ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस जगह देख सकते हैं मेरा इनेबल है इस जगह में पासवर्ड लीक डिटेक्शन। तो इस जगह में आप इनेबल करके रखेंगे तो आप कोई भी साइट में जाएंगे तो उस जगह अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो है ना कमल का टिक्स। अगर दोस्तों में वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना और लाइक कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगला वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।